गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर 8th मोशन एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एवरेज स्पीड एंड इट्स टाइप्स। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, ये आपके फाइनल एग्जाम में 3-3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So chale start karte hain aaj ka numerical. The numerical is on my back screen. You can see it. Aap dekh pa rahe hain ise. The numerical is a motorcyclist drives from A to B with a uniform speed of 30 km per hour and return back with a speed of 20 km per hour. Find its average speed. I'm again repeating. A motorcyclist drives from A to B with a uniform speed of 30 km per hour and returns back with a speed of 20 km per hour. Find its average speed. क्या कह रहा है इस numerical में, ध्यान से देखेंगे. What he said, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि ड्राइव कर रहा है अपनी गाड़ी को कहां से, ए से बी की तरफ. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी. मैं कहता हूं ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है से एस किलोमीटर. लेट एस किलोमीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवल ड्राइव करता है ए से बी. जब वो ए से बी जाता है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बी से ए वापस आता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी. आई एम अगेन रिपीटिंग, ध्यान से देखिएगा. एक पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. एक मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव कर रहा है ए से बी, मींस एस किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है. कितनी स्पीड से, जब ए से बी जाता है तो इट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और जब रिटर्न बैक करता है बी से ए तो इट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है. तो कैसे बताएंगे, लेट एस किलोमीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. मान लेते हैं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस किलोमीटर, और मोटरसाइकिलिस्ट जब ए से बी जा रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, से 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. और जब B से A रिटर्न कर रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी एवरेज स्पीड बताएं. नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, अगर हम बात करें व्हाट इज एवरेज स्पीड, एज पर फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन. नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन. अब ध्यान से देखेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड नो कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. ए से बी चला तो एस किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से ए चला तो एस किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. इसका मतलब 2s किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ए टू बी एंड बी टू ए, और टोटल टाइम उसने कितना लिया,
मैंने कहा लेट टी वन बी द टाइम टेकन ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो टी वन प्लस लेट टी टू बी द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, तो टोटल टाइम लिया उसने टी वन प्लस टी टू, इसको मैं हार में ले लेता हूँ। लो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। अब हमें टी वन और टी टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ व्हाट इज टी वन, मैंने अभी आपको बताया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट, द टाइम टेकन बाय द मोटरसाइकिलिस्ट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। नाउ व्हाट इज टी वन, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस किलोमीटर, वेलोसिटी कितनी थी 30 किलोमीटर पर हार, तो ये हो गया एस बाय 30 हार। मैंने कहा कि टी वन टाइम लिया उसने ए से बी ट्रेवल करने के लिए, कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था 30 किलोमीटर पर हार, तो एज पर फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस किलोमीटर, टाइम कितना लिया, कितनी वेलोसिटी से चला 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगा उसको एस बाय 30 हार। इसी तरह टी टू मैं बात करूंगा सिमिलर मैनर से, जब वो बी से ए चल रहा था तो कितनी वेलोसिटी चल रहा था 20 किलोमीटर पर हार, मैंने कहता हूं कि उसने टाइम लिया से टी टू, तो व्हाट इज टी टू, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एस किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर हार, तो ये बनेगा आपके पास एस बाय 20 हार। मींस अब हमने टी वन जो टाइम पीरियड था मोटरसाइकिलिस्ट का टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और टी टू जो टाइम पीरियड था मोटरसाइकिलिस्ट का टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो टोटल टाइम ट्रेवल जो हुआ मोटरसाइकिलिस्ट का ए टू बी एंड बी टू ए वो था टी वन प्लस टी टू, इसको फाइंड आउट करेंगे एस बाय 30 हार प्लस एस बाय 20 हार, तो 30 एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम ले लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी 2s प्लस 3s, दैट इज इन किलोमीटर एंड दैट इज इन हार, इट मींस 5s बाय 60 किलोमीटर पर हार, इतना टाइम उसको लगा ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, मीन ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के वैल्यू में हम पुट करेंगे एवरेज स्पीड। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 2s किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज 5s बाय 60 दैट इज किलोमीटर पर हार। अगर हम बात करें तो दैट इज 2s प्लस 3s दैट इज किलोमीटर, अगर हम बात करें टी वन प्लस टी टू की अगर हम बात करें तो टी वन प्लस टी टू दैट इज दिस इज नॉट किलोमीटर दिस इज हार, दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज हार। देखिए ध्यान से, व्हाट इज टी वन दैट इज एस बाय 30 हार, व्हाट इज टी टू दैट इज एस बाय 20 हार, दोनों को ऐड करेंगे तो एस बाय 30 हार प्लस एस बाय 20 हार, हार यूनिट थी कॉमन ले लेंगे तो 60 एलसीएम लेंगे दैट इज 2s प्लस 3s मींस 5s बाय 60 हार, तो इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2s किलोमीटर टी वन प्लस टी टू हार की जो वैल्यू आ गई, टी वन प्लस टी टू की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5s बाय 60 हार, तो इट कम्स आउट टू बी 2s बाय 5s इंटू 60 किलोमीटर पर हार, एस से एस कट गया तो 512 या 60 इट मींस 24 किलोमीटर पर हार, इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी 24 किलोमीटर पर हार ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3-3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू सोल्व दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इफ इट विल आस्क बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम।
So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please, please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.